हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम ये छोटा सा पर्स प्लस कार्ड बैग बनाना सीखेंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कैरी बैग का पीस ले लिया है। कैरी बैग नहीं है तो आप ले सकती हैं बुकरम और फैब्रिक। तो सबसे पहले हमें इस पर क्विल्टिंग कर लेनी है। क्विल्टिंग करने के बाद ये पीस हमारा बनके तैयार हो गया है। तो हमने एक और पीस ले लिया है फैब्रिक का, जिसकी लेंथ हमने लिखी है 23 इंच का। हम करीबन इसे ले लिया है और इसकी चौड़ाई जो है 5.5 इंच है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ मार्क लगाए हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 इंच पे है, फिर 4 इंच का है, फिर 3 पॉइंट या 2 पॉइंट का हमें गैप रखना है, फिर 4 इंच पे मार्क लगाना है, फिर 2 या 3 पॉइंट का गैप और फिर 4 इंच पे मार्क लगाना है। अब देखिए, इस पीस को हम यूँ रखेंगे। अब ये जो 2.5 इंच वाला मार्क है, इसे ऊपर 4 इंच वाले मार्क से मैच कर लेंगे, फिर 2 पॉइंट का गैप और फिर उसके बाद इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर 2 पॉइंट का गैप और फिर यूँ फोल्ड कर लेंगे। अब ये हमने फोल्ड कर लिया है। इसको हम रखेंगे क्विल्टिंग पीस के ऊपर और चारों तरफ से क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने स्टिच कर लिया। अब देखिए, दो लाइनें हमने और लगा ली है 4 इंच पे और नीचे से आगे 4 इंच पे। तो ये हमने जिप ले ली है 5.5 इंच की और ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, चाहे तो आप नेट भी ले सकते हैं। 4 इंच इसकी चौड़ाई है, इसे हम जिप के साथ स्टिच कर लेंगे। जिप के साथ स्टिच करने के बाद देखिए, यहाँ पर हमें जिप को स्टिच लगा लेनी है और ये हिस्सा मोड़ के चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये पॉकेट स्टिच कर ली है। इसके बाद हम ये, मेरे पास एक बैंगल है जिसकी हेल्प से मैं इस कॉर्नर को हल्का सा गोलाई में कटिंग कर लूँगी। पहले मार्क लगाएंगे, फिर उसके बाद काट लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये बायस कपड़े की स्ट्रिप ले ली है, जिसे कि मैं यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। तो ये बायस स्ट्रिप मैंने स्टिच कर ली है। अब इसे हम दूसरी साइड को टर्न कर लेंगे और इसके किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे स्टिच लगा के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमारा ये पर्स बनके तैयार हो गया है। इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इसके फ्लैप को यूँ फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम टिच बटन या वेलक्रो या फिर मैग्नेट बटन, जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो यहाँ पर लगा लेंगे। तो देखिए, ये कार्ड पर्स बनके तैयार हो गया है। आप कम से कम इतने कार्ड्स इसके अंदर रख सकते हैं, अनलिमिटेड कार्ड रख सकते हैं वैसे तो आप इसके अंदर। और ये देखिए, इस तरीके से पैसे वगैरह आप इस जिप वाली पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। ये मैंने टिच बटन भी लगा लिया इस पर। तो देखिए, छोटा सा ये सुंदर सा पर्स बनके तैयार हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और इसी तरीके के DIY वीडियो अगर आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।